मुन्ना घंटा होगा फोन कर रहा था। गाय थले पानी क्या गाय खाए क्यों पानी है ना नो पाना लाजमी है कभी कोई डंगर बीमार हो जाए जिन्हें बीमार होंगे पे ना तो मसला बनता पा काफ़ी ज़्यादा फिर खासकर डंगर जो खांसी वगैरह लगती है तो नमूनिया हो जाता डंगर भी जिदा पिछले दिन सू हो अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल है जी थोड़ा उम्मीद करता सारे वधिया हो गए अल्लाह ताला दे फजल ते करम दौरान शुरू कर दें अज का व्लॉग सवेरे सवेरे असं बैठे इतने अपने दुकान के दरवाजे के व्लॉग अपलोड करने वास्ते साढ़े को इंटरनेट चलता गुजारे का ही घर जाओ तो घर चलता ही कोई ना बाहर गली चाह के या फिर इतने दुकान के बह के ना कोई गुजारा हों भी दुकान के अंदर बह जाओ फिर उक्का स्लो हो जाता इतने दरवाजे में कोई गुजारा है इतने बाहर एक किल लगे तुम दिखाता मैं उस किल के तेनों तार टंगी हुई है ज़्यादातर असं अपने व्लॉग वगैरह अपलोड करने हो तो उत्थे टंग ले जाऊँ बैल तो उत्थे ना फिर बहुत जबरदस्त स्पीड आती है जिहड़ा काम इत्थे मोबाइल टंग के मिनटां 'च हो जांदा ना वैसे कि पिंड 'च फिरदे हो या कि होर हो तो वह घंटिया के होंगे जाके खेत पर असं अच्छ को नहीं जाना है शायद एक जगह तो जाइए होर बच्चियां देखने वास्ते पर वह भी हजे मुंडे का फोन को नहीं आया जो फोन आया तो फिर जावे ठंड इन्नी है सवेरे सवेरे मस्जिद गए ना मस्जिद फर्श जोड़ा ना सारा गीला होया पा हों डेली गीला होया हों इदा ही धुंद पी है ना तो सारा फर्श जोड़ा ना इदा हो जाता जिदा बारिश पी होंगी है सूरत हाल अज भी धुंद आई है चंकी भली अज मेहल दसवें या बारहवें दिन हो गया सूरज को नहीं निकलिया है आह किल आया हुआ अस इतने टंगी तो मोबाइल तो जबरदस्त स्पीड आती है फिर मेरी गल सुन हूँ सबे अच्छा जी रोग लगे ना मोटर निकल गया धुआं धुआं निकलिया वा तो मोटर निकल गया है मेरा तो रंग उड़ना ही दाड़ी तो ना मैं बंद करती मशीन अच्छा मुड़ के ना मैं पता लग गया भी ना कि स्टार्टिंग जी सड़ गई मोटर है सड़क 1987 दी तकरीबन ना दो तीन बार सड़ी है स्टार्टिंग सड़ी है सड़ी है रनिंग नहीं सड़ी क्लच पत्री सही मजदूर दो डंगर वास्ते कल असं लै के आए थे नमक रड़ी भी पिया डंगर जड़े ना कंधा चटन लगे हुए आ जाओ जी सारे शुरू हो गए चार पाँच दिन हो गए नमक जड़ा ना मुक्या होया सी ना अग्गों जो सर्दी होंगी ना इदा जो वाल खड़े नहीं सीधे तो इन्हें इदा खड़े हो जाते फिर फुले फुले हुए कप लै के मैं वैसे आया पर गया तू गया फिर मैं दे दूंगा बेफिक्र हो जाओ ते किन्ने कढ़ाया बच्चे सात सात मेरा वो कुकर लड़ाएगा फिर वो सावा नहीं यार लड़ाने नहीं अब पता क्यों पता लगा चीनी आज नहीं है आज ये ताप बहुत ही पाई है सही है ताकर के सबे को लुकरानी यार मोटर ठीक है हाँ कहाँ चाप ले सबे मुकदे ताकुन जड़ा ना हो गया ना वेला सूरज निकला है बार
बड़ा जोर आंदा ट्रैक्टर तेरा भाई है, ट्रैक्टर तेरा बड़ा जोर लांदा। असें एक बनाई वीडियो सारा टुटे हुए दस गया ट्रैक्टर ने भाई, जो किसी ने कढ़ानी हो ट्राली ट्रोली दस्यो रबता करो। ट्रैक्टर नहीं तेरे वाला ट्रैक्टर, सड़को वीडियो भी पई जोर लाता जो भी पई है वीडियो। यही तो दस दे पे हाँ सारे कर भी सकते बाल्टी रखना ना थले, कितने आग लगे तो सारे लग जाए कपड़ा। इसको तो हाथ काम रहे हो मुन्ना, घंटा हो गया फोन कर रहा था। बस बस ठीक है, मैं मर गया। ऐसी वीडियो बन गई है जी। अदरीस हूँ परसों मिल च गन्ना लैके गया सी ना, तो उत्थे एक तो बंपर के अगर पट्टियां लगिया होंगे, वो पट्टियां गई ट्रैक्टर अगर पाया सीगा जोर लवाण वास्ते, तो दूजा ना स्टेयरिंग वाला जो पैप वो लीक हो गया सीगा। हूँ सफदर को कराइए वैल्डिंग वो, तो बाल्टी लैके अं गए हुए थे नाल, उत्थे मोबिलैर कढ़िया सीगा उस, आ गया हूँ घर वापस चलते हैं। हूँ जाके ना डंगर वास्ते ना मिट्टी लैके ना थले पाने वास्ते, थले जरा ना मौसम खराब है ना, डंगर टाइम ना अंदर बनी दे तो थले सारा ना चिक्कड़ कर लेंगे। फिर चलिए मोहम्मद, चल फिर बह जा, तू अगे आ जा, तू अगे मेरे नाल आ जा मोटरसाइकिल से, हवा लगू तेन इतने अगे आ जा। फोन पूरे पूरे रखी चल खैर खैर, मिट्टी लियानी है कोई नहीं। मामा दा आजा, उरे कितने क्या है वो, बच्चे जल्दी शाम बच्चे का लाई जा, लाई जा अगर गया अगर कौन का चला हाथी हाथी आ रहा डंगर बैठे है सुकून दे नाल। डंगर जे असी रखे हुए हैं ना तो इन्हों का ख्याल रखना भी साढ़े वास्ते जरूरी है। मेरी ना 33-34 साल उम्र हुई खड़ी है, कभी इदा का मौसम नहीं देखा जिंदगी, बहुता हुंदा सी ना 2-3 दिन धुंध पैंदी सी, उस तों बाद मौसम जिहड़ा ना खुल जांदा सीगा साफ हो जांदा सीगा, पर इस बारी तो कोई 10वां 12वां दिन हो गया वा, मौसम जिहड़ा ना हजे तक कोई चांस नहीं नज़र आता है कि मौसम जिहड़ा ना भी हजे साफ हो जाएगा। बाकी देखो की बनता, डंगर थले शामी मिट्टी शिट्टी लिया के पाई है और गुड़ लिया सी, इन्होंने लिया के खवाया गुड़ भी,
ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਸਰਦੀ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣ, ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨਾ ਅਤੇ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਸੀ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਅਤੇ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲਾਗ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।